हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आप सबका फिर से इंडिया के सबसे लार्जेस्ट वाइट डेजर्ट में, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। तो आज है डे 3 हमारे कच्छ ट्रिप का और हम फिर से आ गए हैं वाइट डेजर्ट में सनराइज देखने। वाव, देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है मानो कि आप स्नो पे चल रहे हो। बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज नॉट द स्नो। नाउ सीरियसली, व्हाट इज दिस प्लेस? This is heaven. रन में सनराइज को देखने के बाद हम फिर से आ गए हमारे रिसोर्ट। और जब हम रिसोर्ट पहुंचे तो वहां ब्रेकफास्ट रेडी ही था। तो नाश्ता वगैरह करके हम चल पड़े इंडिया के सबसे वेस्टर्न मोस्ट प्लेस की ओर, नारायण सरोवर। नारायण सरोवर कच्छ जिले के लखपत तालुका में स्थित है। श्रीमद् भागवत के अनुसार 5 पवित्र सरोवरों में से एक है यह नारायण सरोवर, जो कि हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है। नारायण सरोवर पहुंचते पहुंचते हमें दोपहर हो गई, तो अभी फॉरेन से आए बर्ड्स तो हमें नहीं दिखे। जनरली बर्ड्स वॉच के लिए यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग ही आना पड़ता है। तो अब नारायण सरोवर को रास्ते से ही देख के हम चल पड़े कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने। मंदिर के सामने ही अब आराम से 1 से 1.5 घंटा बैठ के गल्फ ऑफ कच्छ का सुंदर नजारा देख सकते हो। तो अब हम कोटेश्वर महादेव के दर्शन करके निकल चुके हैं माता के मठ के लिए। माता का मठ कच्छ जिले का एक सुप्रसिद्ध यात्रा धाम है। यहाँ पे लोग दूर दूर से चल के माँ आशापुरा के दर्शन करने आते हैं। अब हम माँ आशापुरा के दर्शन करके भुज के लिए रिटर्न हो रहे हैं। हमने सुना है कि भुज में भुजोड़ी करके एक हैंडीक्राफ्ट विलेज है। वहाँ पे कच्छी शॉल, साड़ी, कुर्ता जैसी हैंडमेड आइटम्स अजरक और बांधनी प्रिंट में मिलती है, जो कि वहाँ के लोकल वनकर लोग अपने हाथों से बनाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं वनकर जिग्नेश अमीचंद की शॉप में, जो कि वंदे मातरम मेमोरियल के पास में ही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, वो फैब्रिक बनाने का ट्रेडिशनल हैंडलूम है और हमें यहाँ के ओनर ने फैब्रिक कैसे बनता है उसका लाइव डेमो भी दिया। Thank you.
सच में गाइस, यहाँ पे जो हैंडमेड वस्तुएं मिलती है उसकी डिजाइन काफी यूनिक है, जो कि हमें तो बहुत पसंद आई। प्राइस भी कंपैरेटिवली एवरेज ही है, इसीलिए हमने तो बहुत सारी शॉपिंग भी की। और ढेर सारी शॉपिंग के साथ हमारे डे 3 का अंत होता है। अगले दिन सुबह की पहली रोशनी के साथ ही हम निकल पड़े हैं मांडवी के लिए। आज हम सबसे पहले विजिट करने वाले हैं विजय विलास पैलेस। तो अब हम आ चुके हैं विजय विलास पैलेस। यहाँ के एंट्री फी की बात करें तो 70 रुपीज पर पर्सन है। पैलेस की बात करें तो मांडवी के राजा खेंगारजी 3 ने इस पैलेस का निर्माण करवाया था और वो इस महल को एज अ समर पैलेस यूज करते थे। वैसे पैलेस में आपको यूरोपियन आर्किटेक्चर की कुछ कुछ झलकें भी देखने को मिल जाएगी। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस महल में हिंदी फिल्में जैसे कि हम दिल दे चुके सनम, लगान एंड कमांडो की शूटिंग भी हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हो, पैलेस के टॉप फ्लोर से कुछ ऐसा सुंदर नजारा दिखता है। विजय विलास पैलेस में हमने थोड़ी फोटोग्राफी वगैरह किया और अभी दोपहर का समय हो गया था तो थोड़ा गूगल करके हम पहुंच गए केसरिया होटल में लंच के लिए। जब हम वहां पे पहुंचे और देखा कि होटल का डाइनिंग एरिया तो काफी छोटा है और पूरा एरिया लोगों से भरा हुआ है, फिर भी हमने थोड़ा वेट करने का सोचा। यकीन मानिए गाइस, जो हमने 10 मिनट का वेट किया वो वर्थ इट था। यहाँ का खाना बिल्कुल कर जैसा और बहुत ही टेस्टी था। वी हाईली रिकमेंड कि आप कभी भी मांडवी की विजिट करें तो केसरिया होटल का खाना जरूर से ट्राई करें। तो अब हम डिलीशियस गुजराती खाना खा के पहुँच गए हैं मांडवी बीच। वैसे आप चाहे तो मांडवी बीच पर वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। यहाँ के वाटर एक्टिविटीज का प्राइस गोवा जैसे प्लेसेस से काफी कम है। अभी बीच पर धूप थोड़ी ज्यादा ही थी तो हम पहुंच गए बीच साइड की लोकल शॉप में। यहाँ के लोकल शॉप्स की विजिट करके बाहर निकले तो देखा कि पूरा वेदर क्लाउडी सा हो गया है। तो फिर बीच पे थोड़ा और चिल करने के बाद हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन अंजार, जैसल तोरल की समाधि को देखने। 14th सेंचुरी में कच्छ में जैसल जाड़े जा करके एक डकैत था, उसका खौफ पूरे कच्छ जिले में था।
उसके बारे में गुजराती में ऐसा बोला जाता है कि कच्छनी धरती नो काळो नाग एटले जैसल जाडेजा और तोरण करके एक सती थी जिसने जैसल जाडेजा का हृदय परिवर्तन किया था और दोनों ने यहाँ पर ही समाधि ले ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों की समाधियाँ हर साल थोड़ी थोड़ी अपने आप ही पास में आती जा रही है। अंजार में जैसल तोरल की समाधि के दर्शन करके हम पहुंच गए हमारे लास्ट डेस्टिनेशन मोगल धाम कबराऊ। वैसे मोगल धाम में वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं था तो अनफॉर्चुनेटली हम आपको मोगल धाम के दर्शन नहीं करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको हमारी कच्छ ट्रिप के वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक इट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस ऐसे ही बहुत सारी गुड मेमोरीज के साथ हम हमारे ट्रिप को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं आप सबसे जल्द ही एक नए ट्रैवल सीरीज में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।